फ्रेंड्स, दौरे हाजिर में एलईडी बल्ब कसरत से इस्तेमाल होता है। कसरत से इस्तेमाल होता है तो उसमें फॉल्ट भी आ सकते हैं, तो इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारे इस एलईडी बल्ब में क्या फॉल्ट है। सही, ये ठीक हालत में है। मैं इसके बाद दूसरा बल्ब चेक करता हूँ तो ये बल्ब रोशन नहीं हुआ। बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। इसको खोलना बहुत ही आसान है। अब इस तरह से दोनों हाथों में इसे पकड़ें और इस कवर को थोड़ा सा ऐसे इसको जो है पुश करें तो ये ओपन हो जाएगा। इसके डिफ्यूज़र कहते हैं इसको, और इसके बिना पर लाइट जो है इसमें इकट्ठी होकर आउटपुट पे यानी बाहर आपके स्प्रेड होती है इक्वली। अब मैं इस बेस के अंदर इसको रख लेता हूँ। ये जो छोटी छोटी एलईडीज नजर आ रही हैं आपको, ये टोटल 15 एलईडीज हैं। और इसका जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका नंबर जो है वो 2835 है, ये आपको नजर आ रहा है 2835 1B15C2835। तो इसको जो है चेक करना मैं आपको बताता हूँ कि इतना आसान मैं कर दूंगा कि हर बंदा उसे चेक कर सकेगा। आपके पास कुछ वोल्टेज होने चाहिए, यानी एक सोर्स होना चाहिए, बैटरी 2 से 3 वोल्ट का सोर्स होना चाहिए जिसके जरिए से आप इसे चेक करेंगे। तो होगा क्या कि इसके कैथोड पर नेगेटिव सप्लाई देंगे और इसके एनोड पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो एलईडी रोशन होगी, जैसे कि मैं इसको दिखा रहा हूँ। इसके डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है, तरतीब इस तरह से लगाई गई है। इसकी तमाम 15 के 15 एलईडी जो हैं, इनकी आउटर साइड जो है वो कैथोड है। कैसे बोला, मसलन मैं किसी भी एलईडी को चेक करता हूं, अगर वो ठीक होगी तो रोशन हो जाएगी। देखें जैसे ये है, ये ठीक है। उसके बाद दूसरी एलईडी, ये भी उसी तरह से ठीक है। तीसरी एलईडी, ये भी ठीक है। चौथी एलईडी, ये भी ठीक है, बिल्कुल सेम। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो एलईडी रोशन नहीं होगी वो फॉल्टी होगी। से है ये एलईडी जो है रोशन नहीं हो रही, नहीं ठीक है ये एलईडी। उसके बाद जो है ये हिस्सा, रोशन हो रहा है, रोशन हो रहा है, ये भी ठीक है, ये एलईडी रोशन नहीं हो रही, ये फॉल्टी एलईडी है। ये ठीक है, इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, नहीं। और हमारे बाकी एलईडी सारी की सारी ठीक है। इससे मुराद ये है कि ये वाला एलईडी जो है इसको निशान लगा लेते हैं। इसकी एक और इसकी पहचान भी होगी, वो ये कि इसके ऊपर जो है अगर आप देखें तो आपको जो है एक डॉट सा फील हो रहा होगा। वो डॉट जो है इसके बर्न होने की इंडिकेशन है, ये बड़ा डॉट। अब आपको वादे नजर आ रहा होगा ये वाला डॉट जो है ये ब्लैक डॉट। इसके साथ वाले को देखें, इसमें कोई डॉट नहीं है, इसमें भी कोई डॉट नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक है, डॉट कहाँ नजर आ रहा है, इस पर, इस पर कोई डॉट नजर नहीं आ रहा। तो इट मीन ये है कि ये एलईडी फॉल्टी है। इसको हम बड़ी आसानी के साथ बगैर किसी लंबे चौड़े अखराजात के, हम इसे खुद से बगैर किसी खास स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के हम इसे बदल सकते हैं। मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं, या समटाइम हमारे घरों में जो है वो बल्ब पड़ा होता है तो हम उसकी की किट जो है उसमें से इसको बदल सकते हैं।
तो बढ़ते हैं इसको चेंज करने की जानब। डायग्नोज हो गया कि ये वाला एलईडी जो है ये फॉल्टी है, ये 2835 का है, 3 वोल्ट का ये एलईडी है और इसके जो है ऑलमोस्ट हाफ वाटेज इसकी जो है पावर है। ल्यूमिनेंस इसकी जो है वो तकरीबन जो है कोई 50 वाट से के करीब करीब हो जाती है, लेकिन हम इसको 12 वाट गिनते हैं। और ये 12 वाट जो है तो कम करंट पे हमें इतनी ल्यूमिनेंस जो है ना उसको दे देते, इतनी लाइट को दे देते हैं। करंट कंजम्पशन काफ़ी कम है, वाटेज इसके निस्बतन ज़्यादा है। ये 12 वाट का बल्ब है, वोल्टेज इसके ज़्यादा हैं तो इसलिए कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके मुकाबले में इनकैंडिसेंट बल्ब को देखें तो वो 60 वाट का होगा, 100 वाट का होगा या सम टाइम 200 वाट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी उतनी करंट कंजम्पशन ज़्यादा होगी, जितनी करंट कंजम्पशन ज़्यादा होगी उतने ही बिजली का बिल ज़्यादा होगा। इसका असूल इस तरह से होता है कि अगर 1000 वाट 1 घंटे में कंज्यूम हो तो आपका मीटर 1 यूनिट, 1 यूनिट जो है वो कंज्यूम शो करता है। तो इस तरह से जितने वाटेज ज्यादा होंगे उतने ही इसके यूनिट ज्यादा होंगे, जितने यूनिट ज्यादा होंगे उतने उसका रेट ज्यादा होगा। तो बढ़ते हैं इसको रिपेयर करने की जानब। फॉल्टी एलईडी तो हमने डायग्नोज कर ली जो कि एक बैटरी के जरिए से है। एक तरीकाकार और भी है कि इसको मेन सप्लाई में लगा लें, पावर सप्लाई का स्विच ऑन कर लें और वो वाला एलईडी जो आप डायग्नोज कर चुके हैं या सारे वन बाई वन जो है ना उनको शॉर्ट सर्किट करते जाएं, जैसे कि किसी जंपर के जरिए से मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ। मैं पहले आपको उसको ऑन करके दिखाता हूँ। मसलन मैं उस एलईडी को शॉर्ट सर्किट करता हूँ, हमारा बल्ब जो है ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जितने भी होंगे उसको भी मैं इसी तरह से शॉर्ट सर्किट कर दूंगा किसी जंपर के साथ, और वन बाई वन जो है इसको मैं शॉर्ट सर्किट करता जाऊंगा। लेकिन जो फॉल्टी होगा जैसे ही उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो वो बल्ब जो है रोशन हो जाएगा। वजह उसकी क्या है, ये 15 के 15 LEDs जो हैं ये सीरीज में इस्तेमाल किए गए हैं, और सीरीज में इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि एक बल्ब भी अगर फॉल्टी होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा और बाकी LEDs रोशन ही नहीं हो सकेंगे जब तक कि वो सर्किट कंप्लीट ना हो सके। और उसके लिए उसी टाइप का LED या तो चाहिए या उसको शॉर्ट सर्किट कर दें, बाईपास कर दें उसको। तो ये बाईपास का एक तरीकाकार होता है, इसके जरिए से हम कर लेते हैं, लेकिन उसमें करंट का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, करंट बढ़ जाती है तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। बेहतर यही होता है कि उसकी प्रॉपर डिजाइंड LED जो है उसको लगा दें तो फिर ये आपका वर्किंग में हो रहेगा और अच्छे अरसे तक जो है ना ये काम करता रहेगा। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, बहुत ही सादा तरीकाकार है, बहुत ही आसान तरीकाकार है। जस्ट हम एक लाइटर के जरिए से इसके PCB को हीट अप करेंगे। SMD डिवाइसेज हैं तो इसका सोल्डर जो होगा वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। उसके मेल्ट होने पर जो है ये इसकी ग्रिप जो है ये खत्म हो जाएगी और इजी हो जाएगा। हम इसे उठा के साइड पे रख देंगे और जो हमारे पास नया वाला होगा बिल्कुल उसी तरह से उसे एक ट्यूजर के जरिए से उठा के उस जगह रख देंगे, और हीट जो है इसको हम हटा देंगे थोड़े से रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही आएगा दोबारा से ये होल्ड हो जाएगा यानी सोल्डर हो जाएगा और हमारा बल्ब ठीक हो जाएगा। यानी विद इन नो टाइम जो है हम अपने उस फॉल्टी बल्ब को बगैर किसी लंबे चौड़े खराजात के उसको ठीक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको भी करके देता हूँ ताकि आप अपने घर में तमाम तरह LED बल्ब जो होते हैं इनको अपने तौर पर खुद से जो है एज ए हॉबी एज ए यूज आप इसे जो है ना ठीक कर सकें और अपने अखराजात जो हैं इसको कम कर सकें। वगर ना नया खरीदने में जो है आपको 150 से 200 रुपये या इससे ज़्यादा अमाउंट जो है ना वो लगाना पड़ेगी। तो वो एक LED की बिना पर वो फेंका नहीं जा सकता, बेकार नहीं किया जा सकता। आप उसी एक LED को या तो रिप्लेस कर लें, बेस्ट वे यही है कि रिप्लेस कर लें, अगर रिप्लेस नहीं कर सकते तो बाईपास कर दें, बाईपास करके उसको ऑन कर लें। तो बढ़ते हैं इसको रिप्लेसमेंट की जानब।
एलईडी रिप्लेस हो गई है। प्रोसेस हमने ये किया कि लाइटर के ज़रिए से हमने इसको हीटअप किया पीसीबी को, और एक ख़ास टेम्परेचर तक जो है पीसीबी जब हीटअप हुआ तो सॉल्डर मेल्ट हुआ, सॉल्डर के मेल्ट होने पर जो है ये लूज़ हुआ, तो जो है ट्यूज़र के ज़रिए से इसको एलईडी को उठा लिया। उठा के हमने उसकी जगह जो है दूसरा एलईडी लगाया, लगा के उसको भी थोड़ा सा हीटअप किया, सोल्डर मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद जो हमने हीट को हटा दिया तो दोबारा से जब वो कोल्ड हालत में आया तो दोबारा से सोल्डर हो गया। रिपेयरिंग के लिए जब बल्ब को ओपन किया गया था तो उस वक्त जो है इसके बेस वाली साइड इसको वैसे रहने दी थी, जस्ट एलईडी वाली साइड जो है जो कि पीसीबी साइड है इसको उतारा गया था, और इसके दोनों टर्मिनल जो हैं इसको उतार के इसको जो है पीसीबी को डिसोल्डर करके रिमूव कर लिया गया था। अब लगाने के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि एहतियात के साथ जो है हीट सिंक इससे गुजार कर इसके दोनों डीसी के टर्मिनल जो हैं एक मखसूस राख से बाहर निकाल कर जो है पीसीबी के लिए इनको प्रिपेयर किया जाएगा ताकि इसके ऊपर पीसीबी लगाई जा सके। पीसीबी इसके ऊपर जो है आरटीवी ग्लू के साथ लगेगी और वो इसको होल्ड कर लेगी, जो इसके हीट सिंक का भी काम करेगी और उसके होल्डिंग का भी काम करेगी। पीसीबी को हीट सिंक के साथ फिक्स करने के लिए एक स्पेशल टाइप की ग्लू यूज़ की जाती है जिसे आरटीवी कहते हैं। आरटीवी जो है ये दोनों साइडों पर यूज़ की जाएगी और इसको इस तरह से लगाया जाएगा कि ये जो है इजीली उतर ना सके और उसमें स्पेस ना हो ताकि प्रॉपरली हीट सिंक अपना काम कर सके। तो वायरिंग से गुजारने के बाद जो है दोनों टर्मिनल को बाहर निकाल लिया जाएगा, और दोनों टर्मिनल क्योंकि डीसी के होंगे तो इसके लिए जो वायर यूज़ की गई है वो पॉजिटिव के लिए येलो कलर की है और नेगेटिव के लिए वाइट कलर की है। और उसकी पीसीबी को अगर गौर करें इसके ऊपर लिखा होगा 1B15C और इसके दाने का नंबर होगा यानी इसके एलईडी का नंबर होगा जो कि 2835 नंबर है। बल्ब को फिटिंग की बेस से बाहर निकाला, निकाल के उसका जो है ना पीसीबी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नंबर आपको याद होगा 1B15C। 1B15C जो है 15C ये इसके 15 एलईडीज को ज़ाहिर करती है और इसका नंबर जो है वो है 2835 यानी 2835 से करते हैं। पीसीबी की साइड पर दोनों वायर जो एक येलो कलर की और एक वाइट कलर की निकाली गई, इनको सोल्डरिंग आयरन की मदद से जो है येलो को पॉजिटिव के साथ सोल्डर किया और पीसीबी पर, और वाइट को जो है नेगेटिव की प्लेस के ऊपर सोल्डर किया और इस तरह के कनेक्शन के साथ कंप्लीट कर लिए। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद आरटीवी को खुश्क होने के लिए यानी ये वो ग्लू जो है पीसीबी और जो है हीट सिंक के दरमियान में जो ग्लू इस्तेमाल किया गया था जो कि एज ए हीट सिंक भी है और बतौर उसके सोल्डर करने के भी उसको जो है पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया गया, उस ग्लू को खुश्क होने के लिए कमोबेश 2 से 2.5 घंटे जो है ना टाइम इसको स्पेस के लिए दिया। उस टाइम के बाद जब ये ड्राई हो गया तो फिर इसको जो है उठा के होल्डर में लगा के तो इसके फंक्शन को चेक किया तो लाइट जो है पावर ऑन करने पर ऑन हो गई। अब इसके डिफ्यूज़र को इस पे लगाया और इसको मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद दोबारा से इसको जो है फंक्शन टेस्ट के लिए दोबारा से होल्डर में लगाया, लगा के पावर को ऑन करके इसके फंक्शन को चेक किया। ऑन करने पर ये ऑन हो रहा था और डेफिनेटली ऑफ होने पर स्विच के ऑफ करने पर ये ऑफ हो रहा था। इस तरह से ये हमारा जो फॉल्टी बल्ब था वो रिपेयर हो गया। फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने फॉल्टी बल्ब में से फॉल्टी एलईडी को किस तरह से सादा तरीन तरीके से डायग्नोज किया, डिटेक्ट किया और उसको जो है रिप्लेस किया एक नई एलईडी के साथ और बल्ब को जो है फंक्शनल हालत में ले आया। इस तरह से हमारा बल्ब जो है ये दोबारा से एक्टिव हो गया और हमारा पर्पस जो है ना वो सॉल्व हो गया। इसके साथ ही आज की वीडियो इख्तिताम पजीर हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।